सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल 17 मतलब अनुच्छेद 17 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, वो बोलता है एबोलिशन, एबोलिशन या प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑल फॉर्म्स आर अनटचेबिलिटीज आर प्रोहिबिटेड, ऑल फॉर्म्स ऑफ untouchability are prohibited, all forms are untouchability are prohibited ठीक है। तो अब ये क्या है, मैं समझाता हूँ ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 17 बोलता है, बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी हम लोग नहीं कर सकते। जो हम लोग वो पहले चलता था ना, छुआछूत चलता था, हम लोग ये छोटा जात है, इसको हम लोग छू देंगे तो क्या होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम पूजा नहीं कर सकते, ब्ला 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 बहुत कुछ चलता था ना। क्या अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ये जो छुआछूत है ना, ये पूरी तरीके से क्या है, इसका प्रोविजन है, मतलब मनाही है। अगर कोई इस चीज़ को मानता है तो क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको यह क्या याद रखना है, हर तरह का अनटचेबिलिटी, किसी तरह का भी आप छुआछूत कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब उसका मनाही है। तो किसी भी तरह का अगर आप छुआछूत करें तो क्या है, वो मनाही है, और वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। आपको यह बात पता होना चाहिए, मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत हमारे समाज में उसको पूरी तरीके से मनाही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ये आप लिख लीजिए, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं इस चीज का ठीक है। पहला बात तो ये, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ होना चाहिए, वो अगेंस्ट द स्टेट होना चाहिए। अगेंस्ट द स्टेट का मतलब आपको याद है, मतलब वो हमारे स्टेट के अगेंस्ट में होना चाहिए, तभी ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। स्टेट का याद है ना, स्टेट क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार ठीक है, राज्य विधानसभा, संसद, या वैसे कोई अथॉरिटी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, या हमारी इंडियन टेरिटरी में आती है। अब बताइए, छुआछूत तो जनरली क्या होता है, दो लोगों के बीच होता है ना, दो लोगों के बीच, क्योंकि लोग कैसे चलता है, पहले बोला जाता था ये ब्राह्मण है, अच्छा ये सबसे श्रेष्ठ जाति का है, और ये छोटे जाति को टच कर दिया तो ये अशुद्ध हो जाएगा, उसके हाथों से खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, उसे मंदिर में इंटर नहीं करने देगा। आज भी कहीं कहीं जो आप बहुत रिमोट विलेज में जाएंगे तो ऐसा कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो मतलब अनटचेबिलिटी तो प्रोहिबिटेड है, सही बात है, लेकिन ये कोई भी फंडामेंटल राइट, मैंने बताया था, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कब अप्रोच कर सकते हो, जब इट मस्ट बी अगेंस्ट द स्टेट, मतलब ये स्टेट के अगेंस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर अनटचेबिलिटी जनरली क्या होता है, लोगों के बीच होता है, पीपल टू पीपल, ऐसे ही ना होता है, जैसे यहाँ एक पर्सन, एक बंदा खड़ा है, के यहाँ एक खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ऐसा कुछ। अब इन दोनों के बीच अनटचेबिलिटी हो रहा है, ये दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच अनटचेबिलिटी प्रोसेस चल रहा है, तो क्या यहाँ स्टेट इंक्लूड हो रहा है क्या? और अनटचेबिलिटी जनरली स्टेट इंक्लूड नहीं होता है, जनरली वो लोगों के बीच ही होता है। तब तो ये फिर हमारा फंडामेंटल राइट तो बेकार हो गया, क्योंकि अगेंस्ट द स्टेट होता तभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं या हाई कोर्ट मूव करते हैं अंडर आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32। लेकिन अनटचेबिलिटी क्या होता है, जनरली लोगों के बीच में होता है। अब लोगों के बीच में होता है तो हम लोग तो कोर्ट मूव नहीं कर सकते, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, तब तो ये फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट क्या है, यूजलेस है हमारे लिए। इसलिए यूजलेस है क्योंकि जो छुआछूत जो देखा जाता है जनरली किसके बीच देखा जाता है, लोगों के बीच देखा जाता है। तो क्या अगर दो लोगों के बीच है, यहां मान लीजिए एक ए नाम का बंदा और एक बी नाम का बंदा, इन दोनों के बीच अनटचेबिलिटी देखा जा रहा है। मान लीजिए ए बोल रहा है कि तुम छोटे जात के हो, बी को मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तुम में अगर मेरे को टच कर दोगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम मंदिर नहीं आ सकते हो। तो क्या अब बताइए, क्या
ए, अगर ए बोल रहा है बी को, तो बी के पास ये अभी पावर है क्या कि ये कोर्ट मूव कर पाए? ठीक है, ये कोर्ट मूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द स्टेट नहीं, ये दो लोगों के बीच है और अनटचेबिलिटी जनरली लोगों के बीच में ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे सिचुएशन में बी के पास एक ऑप्शन है, कहाँ जा सकता है ये? पुलिस स्टेशन जा सकता है। अब पुलिस स्टेशन अगर हम लोग जा भी रहे हैं तो क्या बोलेंगे पुलिस स्टेशन में? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लॉ होना चाहिए जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग अनटचेबिलिटी का बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी दो बंदा है, ठीक है, ए बी को बोलता है कि तुम छोटे जात के हो, तुम मुझे टच करोगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, तुम्हें मंदिर में एंटर नहीं करने दूंगा, घुसने नहीं दूंगा, तो बी क्या कोर्ट में मूव कर सकता है? क्योंकि बी का तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये अनटचेबिलिटी तो हमारे ये क्या है, हमारे आर्टिकल 17 में पूरी तरीके से क्या है, मनाही है इसका, लेकिन फिर भी बी कोर्ट मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द स्टेट नहीं, ए इज नॉट अ स्टेट। ए स्टेट है क्या? ए कोई स्टेट है? नहीं, ए कोई स्टेट नहीं है। तो बी कोर्ट मूव कर सकता है? नहीं। तो बी कहाँ जा सकता है? बी पुलिस स्टेशन जा सकता है। अब पुलिस स्टेशन अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, FIR करेंगे, ठीक है। FIR अगर आप कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में अनटच कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, FIR मतलब समझो, तो FIR कर रहे हैं अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोई तो लॉ होना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए, हमारा अनटचेबिलिटी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जो अगेंस्ट द पीपल होगा। तो क्या होगा, पुलिस स्टेशन में हम गए, FIR करवाए, तो वहाँ कुछ कुछ लॉ बनाया गया। ये लॉ कौन बनाया? हमारा पार्लियामेंट बनाया है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी लॉज बोलते हैं। मतलब ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अनटचेबिलिटी जनरली लोगों के बीच में होता है, और अगर अनटचेबिलिटी लोगों के बीच में है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, किसी तरह का लॉ होना चाहिए। अगर अगेंस्ट द स्टेट होता, मतलब सरकार के अगेंस्ट में होता, तब तो कहाँ मूव कर सकते थे, कोर्ट मूव कर सकते थे। लेकिन जनरली अनटचेबिलिटी हम लोग कहाँ देखते हैं, लोगों के बीच में देखते हैं, जहाँ एक जाति दूसरे जाति से अपने आप को क्या बताती है, श्रेष्ठ बताती है कि मेरा कास्ट ज़्यादा, हम लोग अपर कास्ट के हैं, तुम लोग लोअर कास्ट के हो, ब्ला ब्ला बहुत कुछ चलते रहता है। तो ऐसे केसेस में बी के पास एक ही चांस है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी। अब पुलिस स्टेशन जाएगी तो अब पुलिस स्टेशन में वो केस FIR करेगी, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट ये FIR करती है तो वो क्या बोल के, किस लॉ के अंडर में FIR करेगी? अब पुलिस जो है वो हमारे अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, किसके अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, ए के अगेंस्ट में। लेकिन कोई तो लॉ होना चाहिए जिसके अंडर में, आप कभी भी कोई क्राइम करते हो ना तो पुलिस क्या करती है, FIR करती है, या आपके अगेंस्ट में केस फाइल करती है, तो वो किसी लॉ के अंडर में करती है, या IPC का कोई धारा होता है, IPC का कुछ, इंडियन पेनल कोड का कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, तभी वो करती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमारे पार्लियामेंट ने दो एक्ट बनाया, ऐसे बहुत सारा है, मैं दो बताता हूँ आपको। STSC Prevention of Atrocities Act STSC Prevention of आई होप दिख रहा हूं ना एट्रोसिटीज, मैं फिर से लिख देता हूं, नहीं तो एट्रोसिटी, एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार, ठीक है, एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, ठीक है, STSC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, मतलब किसका रोकथाम करना है, अत्याचार का, किसके अगेंस्ट में, SC ST के अगेंस्ट में। और एक क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। आई होप सबको दिख रहा होगा ना, एक दूसरा एक्ट। इस एक्ट में क्या बोलेगा, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म इज अ पनिशेबल ऑफेंस
ऑफेंस। समझ में आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दो एक्ट है, फिर से बोलता हूँ, फिर से एक बार सारी चीजों को रिकॉर्ड फिर से रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से क्या है, उसका मना ही है, लेकिन जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ मूव कर सकते हैं, कोर्ट में मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मूव करना है तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट मूव करना है तो आर्टिकल 226। लेकिन क्या ध्यान में रखना है, इट मस्ट बी अगेंस्ट द स्टेट, मतलब हमारा कोई भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है तो वो किसके अगेंस्ट में होना चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट में होना चाहिए। स्टेट क्या होता है आपको पता है, सरकारें होती है या उनके अंतर्गत कोई जो अथॉरिटी आती है वो होती है, वो क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है। लेकिन जो अनटचेबिलिटी होता है जनरली लोगों के बीच देखने को मिलता है, ए नाम का बच्चे बी बंदा बी नाम के बंदे को बोलता है तुम छोटे जाति के हो, मेरा जाति श्रेष्ठ जाति का है, मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हें अपने घर में इंटर नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें मंदिर में इंटर करने नहीं दूंगा, हमें अगर तुम्हें टच कर दूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब बी क्या करेगा, बी कोर्ट जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि ए स्टेट नहीं है। तो बी कहां जा सकता है, बी जाएगा पुलिस स्टेशन। अब वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर करेगा, आप में ये केस फाइल करेगा, तो किस लॉ के अंडर में करेगा, कोई तो लॉ होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है, हमारे पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना के रखा है, और वो लॉ क्या कहलाता है, देखिए दो लॉ है। पहला लॉ क्या है, एसटीएससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ATROCITIES, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, मतलब प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी भी तरह का छुआछूत एक क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब समझ रहे हो, आपको इसके लिए क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब आर्टिकल 17 जो है ना, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बिना स्टेचुटरी लॉज, स्टेचुटरी का मतलब STATUTORY, ठीक है, बिना स्टेचुटरी लॉ, एक मिनट फोन बज रहा है, बिना आर्टिकल 17 जो है ना, बिना स्टेचुटरी लॉ STATUTORY, बिना स्टेचुटरी लॉ का क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, MEANINGLESS, मतलब ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि अनटचेबिलिटी जनरली लोगों के बीच होता है, और अगर हमको उसको प्रोटेक्ट करना है तो पार्लियामेंट को कुछ लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों के बीच अनटचेबिलिटी है तो वहाँ स्टेट इंक्लूड नहीं हो रहा है, और स्टेट इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ नहीं मूव कर पा रहे, कोर्ट नहीं मूव कर पा रहे, तो हम लोग को कहाँ मूव करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन मूव करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास लॉज होना चाहिए। वो लॉ कौन बनाएगा, ये सब लॉ हमारा पार्लियामेंट बनाएगी, ये सब सारा लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, ये हमारा पार्लियामेंट ये सब लॉ बनाएगी, ठीक है। अब लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन तो क्या याद रखना है कि ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो आर्टिकल 17, वो मीनिंगलेस है, किसके बिना, स्टेचुटरी लॉज के बिना। डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब हम लोग को किसी तरह का टाइटल नहीं लेना है। तो ये टाइटल नहीं लेने का इंसेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, मतलब अनुच्छेद 18, ये बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आप किसी तरह का टाइटल्स नहीं ले सकते। ये होता है ना, टाइटल लेते हैं नवाब, ठीक है, किंग, ये सब टाइटल लेते थे ना पहले लोग। अब यहाँ आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आर्टिकल 18 जो होता है ना, वो इक्वालिटी का बात करता है, मतलब सबको सेम अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप अपने साथ क्या ले बोले कि आई एम अ नवाब, आई एम अ किंग, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन बहुत सारा टाइटल तो लिया जाता है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, मतलब आपको किसी तरह का टाइटल नहीं लेना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको वैसा टाइटल नहीं लेना है जो आपको बाय डायनेस्टी मिला है, जो आपको आपके वंश से मिला है, जैसे आप किसी राजा वाले खानदान से हैं या किसी नवाब खानदान से, तो आपको कैसा वाला टाइटल नहीं लेना है, जो आपको कैसे मिला है, बाय डायनेस्टी मिला है, बाय डायनेस्टी, या आप ऐसे बोल सकते हो उसको, जो आपको बाय बर्थ मिला है, या आप इसको कैसे बोल सकते हो, जो आपको बाय बर्थ मिला है, मतलब जो आपको आपके जन्म के कारण मिला है, जिसे आपने अर्न नहीं किया है, ठीक है, which has not been earned,
जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वसुंधरा राजे बहुत फेमस नाम है ना, कहाँ आपने सुना होगा, राजस्थान में, वो हमेशा मुख्यमंत्री, कई बार वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो वसुंधरा राजे क्या है, एक कैसा है, राजा खानदान से बिलोंग करती है, किंग फैमिली से। तो क्या वो अपने साथ ऐसा कोई नाम लगाती है, नहीं लगाती। जैसे मैं ज्योतिराज्य सिंधिया बहुत फेमस नाम है, अभी बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और अभी क्या है, राज्यसभा के सांसद भी बन चुके बीजेपी की तरफ से, उन्होंने सरकार भी गिरा दिया मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो वैसे फैमिली, जैसे कि वैसा ना, आपको कौन सा टाइटल लेना मना है, कौन सा टाइटल लेना मना है जो आपको आपके डायनेस्टी के कारण मिला है, मतलब आपको आपके वंश के कारण मिला है, आपको आपके जन्म से मिला है, बाय बर्थ, मतलब कहाँ से मिला आपको, जन्म से मिला है, मतलब उसमें आपका कोई नहीं रोल था। जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बोल सकते हैं किंग, नवाब, ये सब आपको कैसे मिलता है, आपके जन्म के कारण, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। आप अर्न करते हो क्या ये सब टाइटल को, नहीं करते हो। तो ऐसे टाइटल्स को क्या किया जाता है, ऐसे टाइटल्स को बोला जाता है कि नहीं, आप ऐसा टाइटल्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा आर्टिकल 18 इसको अलाउ नहीं करता है। तो फिर क्या है, आर्टिकल 18 क्या अलाउ करता है, तो आर्टिकल 18 बोलता है ना, आप वैसा टाइटल ले सकते हो जिसके आपने अर्न किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा जब आप मिलिट्री में देखते हो, तो मिलिट्री में बहुत सारा टाइटल आता है। जब हम लोग मिलिट्री का बात करते हैं, जब भी हम लोग मिलिट्री का बात करते हैं, ठीक है, मिलिट्री, उसमें बहुत सारा टाइटल आता है, कभी आपने देखा होगा, उसमें आता है कैप्टन, बोलते हैं ना कैप्टन दिस, कैप्टन दैट, कैप्टन ये, कुछ भी बोल दे, कैप्टन राम सिंह, कैप्टन रमेश सिंह, कुछ भी बोलते हैं ना। तो ये कैप्टन, देखिए ये भी एक टाइटल है, लेकिन उन लोगों को मिलता है कैप्टन के बाद मेजर, मेजर जनरल ये, मेजर जनरल वो, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जनरल, ठीक है, जनरल वी के सिंह, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब जो टाइटल है, क्या ये टाइटल नहीं है, लेकिन ये टाइटल तो वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये टाइटल को अर्न किया है। और हम वैसा टाइटल ले सकते हैं जो हमने क्या किया है, अर्न किया है। वैसा टाइटल नहीं ले सकते जो हमें कैसे मिला है, बाय डायनेस्टी मिला हो या बाय बर्थ मिला हो, लाइक किंग, नवाब, ऐसे। बट जो आपने अर्न किया है खुद के मेहनत से, वो टाइटल आप ले सकते हो। जैसे और बताता हूँ, ये तो हो गया मिलिट्री में। जैसे अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, उन लोग अपने नाम से पहले DR लगाते हैं ना, ठीक है। या कोई ऐसा है PhD होल्डर है, तो PhD लगाते हैं ना। या कोई इंजीनियर है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। तो ये अपने टाइट, देखिए ये सब कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपने साथ किसी ना किसी तरह का टाइटल लगाते हैं ना। इंजीनियर है तो ER लगा रहे हैं, डॉक्टर है तो DR लगा रहे हैं, PhD होल्डर है तो PhD लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग अपने साथ टाइटल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये अर्न किया है। क्या डॉक्टर को ये टाइटल जो डॉक्टर है बिना MBBS के मिल गया क्या, क्या उन्होंने बिना कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, पढ़ाई नहीं किया और उन्हें ऐसे ही डॉक्टर मिल गया, नहीं, उन्होंने इसे अर्न किया है। क्या ये जो इंजीनियर है वो ऐसे ही उसे ER टाइटल मिल गया, नहीं, उसने इसे अर्न किया है। फिर जैसे PhD होल्डर है, क्या उसे ऐसे ही ये टाइटल मिल गया, नहीं, उसने ये अर्न किया है। मतलब अगर आप किसी भी टाइटल का बात करते हो, कौन सा टाइटल एबॉलिश है, तो याद रखिएगा वैसा टाइटल एबॉलिश है जो बाय डायनेस्टी है, मतलब जो आपको आपके वंश के कारण मिला है, आपको आपके बर्थ के कारण मिला है, वो सारा का सारा टाइटल क्या है, एबॉलिश है, मतलब एबॉलिशन हो गया उसका, उसका मनाही है। आप इंडिया में उस टाइटल को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इंडिया में हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं आर्टिकल 18 में, मतलब आर्टिकल 18 में हम बोलते हैं कि सभी को एक समान जैसा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, मतलब वैसा टाइटल जो आपको बाय डायनेस्टी या बाय बर्थ मिला है, वो आप नहीं ले सकते हो। वैसा टाइटल जिसे आपने अर्न किया है, जैसे कैप्टन, मेजर, जनरल, ER, PhD, डॉक्टर, वो सारा का सारा आपके लिए क्या है, आप उसके लिए इलिजिबल हो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब इसको हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं, मतलब आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, ठीक है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, Any citizen of India will not accept foreign title. Foreign title,
मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो आप किसी तरह का फॉरेन टाइटल क्या है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2। मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको अगर किसी से मतलब किसी ने आपको कोई टाइटल दिया है विदेश में तो आप उस टाइटल को यूज नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है इंडिया में टाइटल को अर्न करना पड़ता है तभी आप उस टाइटल को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं विदेश में आपको किसी ने कोई टाइटल दिया और आप अपने नाम के साथ उसे लगा रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 है। तो क्या अगर मैंने आर्टिकल 18 को नहीं फॉलो किया तो क्या गवर्नमेंट मुझे पनिश करेगी? नहीं। अगर आपने आर्टिकल 18 को फॉलो नहीं किया ना, ठीक है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट विल नॉट पनिश यू। गवर्नमेंट विल नॉट पनिश यू। क्या याद रखना आपको? गवर्नमेंट आपको पनिश नहीं करेगी, ठीक है, आपको कभी भी गवर्नमेंट पनिश नहीं करेगी। क्यों? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल गिव यू अ नोटिस। ये मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको पनिश नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट पनिश यू। अगर आप आर्टिकल 18 को फॉलो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट विल गिव यू अ व्हाट और नोटिस, आपको गवर्नमेंट नोटिस देगी, ठीक है, ये ना गवर्नमेंट। और एक और बात इसमें आपको एक और बात याद क्या रखना है, इसके लिए कोई स्टैचूटरी लॉ का जरूरत नहीं है। स्टैचूटरी लॉ मतलब जो हमारे सांसद ने बनाया, कोई स्टैचूटरी लॉ का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, कोई स्टैचूटरी लॉ का एक रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। आप ऐसा भी बोल सकते हो आर्टिकल 18 इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। आप ऐसा बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, फिर से मैं सारी बात को रिपीट करता हूँ कि अगर आप इंडिया के सिटीजन है, फॉरेन का आप ले सकते हो कोई किसी तरह का टाइटल? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 में ऐसा मेंशन है कि आप कोई भी इंडिया का सिटीजन कोई फॉरेन टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने गलती से एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट आपको पनिश कर देगी? नहीं, गवर्नमेंट पनिश नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको एक नोटिस भेजेगी, ठीक है। इसके लिए कोई स्टैचूटरी लॉ का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट आपको पहले नोटिस भेजेगी और आपको मना करेगी कि आप इस टाइटल को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो आपको डायरेक्ट पनिश नहीं करेगी गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी। इसलिए इसके लिए किसी तरह का स्टैचूटरी लॉ का जरूरत है, किसी तरह का कानून का जरूरत है जो हमारे संसद ने बनाया? नहीं, किसी तरह का कानून का जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये क्या है? एक तरह का गवर्नमेंट का पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई लॉ का जरूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी गवर्नमेंट सबसे फॉलो करवाती है। तो ये रहा क्या आर्टिकल 18 का एंड। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ व्हाट? टाइटल्स। लेकिन कौन सा टाइटल्स? जो आपको बाय बर्थ बाय डायनेस्टी मिला है, मतलब आपके वंश के कारण मिला है, आपके जन्म के कारण मिला है, वो सारा का सारा टाइटल एबोलिशन है। लेकिन आप कौन सा टाइटल ले सकते हो? वैसा टाइटल जो आपने अर्न किया है, ठीक है, द टाइटल विच यू हैव अर्न, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, वो टाइटल आप रख सकते हो। जैसे जनरल, मेजर से देख सुना है ना, मेजर वीके सिंह, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, जो आपने अर्न किया है वो टाइटल आप ले सकते हो। फिर आप किसी भी तरह का क्या है फॉरेन टाइटल नहीं ले सकते हो। अगर आपने टाइटल लिया, ठीक है, आपने इस चीज को आर्टिकल 18 को फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट पनिश नहीं करेगी, वो आपको क्या भेजेगी? नोटिस भेजेगी। समझ में? क्या इसके लिए किसी तरह का कानून का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। ये गवर्नमेंट का क्या है? एक तरह का पॉलिसी है जो वो सबसे फॉलो करवाती है। ये रहा आर्टिकल 18 का एंड। अब आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है, आप शेयर कीजिए ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद तब तक आपको स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है। थैंक यू सो मच।